वैदिक सरितांजलि की रसोई में आपका स्वागत है। सात्विक आहार आपकी इम्यूनिटी बढ़ाकर वेट लॉस में भी मदद करता है। तरह तरह के झंझट वाली डाइट छोड़िए और सात्विक भोजन अपनाएं। यह आपके शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आयुर्वेद में सात्विक जीवन शैली का सदियों से पालन होता है और आज फिटनेस लवर्स इनका सहारा ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं ड्रमस्टिक कढ़ी रेसिपी। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले एक कप दही लें, एक चौथाई कप बेसन लें, इसके बाद इसमें तीन कप पानी डालें, पानी डालने के बाद आप इसे एक घोटनी की सहायता से अच्छे से घोट लें और हम इसे तब तक घोटेंगे जब तक कि इसमें कोई गांठें ना रह जाए। इसके बाद एक मिट्टी के कढ़ाई को गरम करें और इसमें एक बड़ा चम्मच घी डालें। इसके बाद इसमें एक छोटा चम्मच राई डालें, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच सौंफ, एक चौथाई छोटा चम्मच मेथी के दाने, आधा छोटा चम्मच कलौंजी और एक छोटा चम्मच कड़ी पत्ते, एक तेज पत्ता डालें, एक से दो कटे हुए हरी मिर्च, एक छोटा चम्मच किसावा अदरक, आधा छोटा चम्मच हल्दी और अब इसमें हमने जो मिश्रण तैयार किया था दही व बेसन पानी का, इसमें अब डाल दिया जाए। इसके बाद हमने यहाँ पे 4 से 5 सहजन को अच्छे से छील के व काट लिया है और इसे भी कढ़ाई में डाल दीजिए। और इसे डालने के बाद अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसमें अब एक छोटा चम्मच नमक डालें। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। इसके बाद एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालें और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लें और इसे तब तक चलाते रहें जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक उबाल आ चुकी है। एक उबाल आने के बाद आप आंच को कम कर लें, यानी कि मध्यम आंच पर कर लें और अब हम इसे मध्यम आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 से 15 मिनट में यह कढ़ी बनकर तैयार हो जाएगी और इसके बाद आप सहजन को भी चेक कर लीजिए कि यदि ये ठीक से पकी है कि नहीं। और एक बार यह अच्छे से पक जाए तो इसके ऊपर धनिया पत्ती डाल दें। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह सहजन की कढ़ी बनकर तैयार है। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही न्यूट्रिशियस भी है। यह सहजन की कढ़ी अब बनकर तैयार है। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की ओर, जो कि है बेसन की रोटी। बेसन की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 कप बेसन का आटा लिया है। अब इसमें 1/2 कप गेहूं का आटा डालें। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने 1/2 छोटा चम्मच नमक डाला है। इसके बाद 1 छोटा चम्मच अजवाइन डालें, 1/2 छोटा चम्मच कलौंजी डालें, 1 छोटा चम्मच कटी हुई हरी मिर्च और 4 छोटे चम्मच धनिया पत्ती। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लें। इन सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें 3 छोटे चम्मच घी के डालें और इसे भी अच्छी तरह से मिला लें। इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप इसमें पानी आवश्यकता अनुसार डाल के इसे अच्छी तरह से गूंथ लें। जिस प्रकार आप सामान्य आटा गूंथते हैं उसी प्रकार इसे भी गूंथ लीजिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने आटे को अच्छी तरह से गूंथ लिया है। इसे गूंथने के बाद इसे एक कपड़े से ढककर 10 से 15 मिनट के लिए अलग रख देंगे। 10 मिनट बाद अपने हाथों पे हल्का सा घी लगा लें और इसे अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए गूंथ लें। इसे अच्छे से गूंथने के बाद अब हम इसकी लोइयां बना लेंगे। आप इस प्रकार से मध्यम साइज के गोलाकार लोइयां बना लीजिए और यहाँ पर हल्का सा पलोथन लगा के
इसे हल्के हाथों से बेलन की सहायता से अच्छे से बेल लेंगे। और ये देखिए सुंदर सा गोलाकार रोटी बन चुका है, बेल लिया गया है अच्छी तरह से। और यहाँ पर एक मिट्टी के तवे को गरम कर लिया गया है और इसके ऊपर यह रोटी को डाल दीजिए। यह जैसे ही फूलती है इसे पलट दें और इसे दूसरी ओर से भी अच्छे से फूलने दें। आप इसे दोनों ओर से अच्छी तरह से सेक लें। और ये देखिए बेसन की रोटी बनकर तैयार है। इसके साथ आप सहजन की कड्डी परोसें, और कोई भी सात्विक आहार बिना सलाद के अधूरा होता है। तो यहाँ पर ये है अंकुरित हरी मूंग, गाजर कटे हुए और कटा हुआ टमाटर, सात्विक सलाद, और ये पूर्ण रूप से सात्विक थाली बनकर तैयार है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।